कानपुर स्थित छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय में हैप्पीनेस सेंटर के उद्घाटन पर आए मुख्य अतिथि पद्म विभूषण राम भद्राचार्य महाराज ने एक ऐसी बात कह दी जिससे भारत ही नहीं विश्व के तमाम बौद्ध देश नाराज हो सकते हैं। मुख्य अतिथि राम भद्राचार्य ने कहा कि भारत 200 साल तक गुलाम रहा, भारतीय दर्शन को जितना कुचलना संभव था सबने उतना कुचला। मोदी जी भी समझ नहीं पाए कि महात्मा बुद्ध ने भारत का कितना नुकसान किया है। उनका ये वक्तव्य अखबारों में छपते ही बौद्ध जगत में नाराजगी छा गई। जैसा कि पूरा देश पूरी दुनिया जानती है कि अभी एक दिन पहले हिंदू धर्म के बहुत बड़े संत जिनको जगत गुरु की उपाधि दी गई है, जिनको पद्म श्री पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, उन्होंने अपने मानसिक विकलांग होने का परिचय दिया। हालांकि वो शारीरिक विकलांग पहले से ही हैं। उन्होंने भाषण देते समय कानपुर विश्वविद्यालय में तथागत भगवान बुद्ध को अपमानित किया, उनकी घोर निंदा की और उनके दर्शन की वजह से भारत नपुंसक हो गया है ऐसा कहकर के बुद्ध के दर्शन को उनके अनुयायियों को जलील करने का प्रयास किया है। एक तरफ ये कहते हैं कि बुद्ध हमारे अवतार हैं और एक तरफ अपमान करने से भी नहीं चूकते। एक तरफ ये कहते हैं कि पूरा देश भारत हिंदुओं का है और दूसरी तरफ संतों गुरुओं महापुरुषों का अपमान भी ये बार बार करते हैं। बाबा जी, आपने अपनी ऐतिहासिक परिचय कराया है और आपने जो भी बोला है इससे आपकी मानसिकता, आपकी सोच और आपकी बुद्धिमत्ता झलकती है। आपने करोड़ों बुद्ध के अनुयायियों का अपमान किया है। मैं अपील करता हूं एज ए बौद्ध भिक्षु होने के नाते कि आप 2 दिन में सामूहिक देश भारत के बौद्धों से माफी मांगिए, नहीं तो हम लोग प्रत्येक थाने में आपके खिलाफ FIR कराएंगे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन देंगे और जगह जगह आपके पुतले फुकवाएंगे, क्योंकि आप इसी के लायक हैं। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारी संस्कृति क्या, तुम्हारा दर्शन क्या है, तुम्हारा धंधा क्या है। तुमने अंधविश्वास के नाम पर, पाखंडवाद के नाम पर, लोगों को मूर्ख बनाने के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बड़ी बड़ी जो दुकानें चला के रखी हुई हैं, उन दुकानों पर ताला लगता है बुद्ध की वजह से, इसलिए आपको बुद्ध अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन जो अपमान आपने किया, ये धर्म निरपेक्ष भारत है, यहाँ सभी धर्मों को, सभी संतों गुरुओं को मान सम्मान से रहने का अधिकार है। आपने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है। स्वामी जी, मेरी अपील है, मैं 3 बार ट्राई कर चुका हूं आपके मोबाइल नंबर, आपके कभी PRO फोन उठाते हैं, कभी प्रोफेसर फोन उठाते हैं, मैंने चित्रकूट के DM से भी वार्ता करने का प्रयास किया है कि बाबा जी से कह दो कि वो माफी मांग लें, नहीं तो तुम्हारा विश्वविद्यालय भी हम घेरेंगे और कहीं तुम्हें निकलने नहीं देंगे। भूल जाइएगा कि कोई बुद्ध का अनुयायी नहीं रहा, देश भारत में चप्पे चप्पे पर बुद्ध के अनुयायी रहते हैं। यह देश बुद्ध का है, यह देश बनाया बुद्ध ने है, इस देश को सोने की चिड़िया बुद्ध की वजह से कहा गया है। आपने उनके बारे में ये शब्द बोल करके अपनी विकलांगता का परिचय दिया है। मैं बता दूं, दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो ईश्वरवादी हैं, जो परजीवी हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, भय का भूत बनाकर, भगवान का भूत, ईश्वर का भूत बनाकर के लोगों को ठगते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो विकास पर विश्वास करते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई है, वो ये मानते हैं कि दुनिया का धीरे धीरे विकास हुआ है। बुद्ध भी यही मानते हैं कि दुनिया का धीरे धीरे विकास हुआ है, संसार परिवर्तनशील है। 1250 साल बुद्ध के दर्शन ने शासन किया है, आज आपको मौका मिला है, सम्मान करिए ना, हमको मौका मिलेगा फिर हम भी वही करेंगे। हालांकि मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरा दर्शन ये इजाजत नहीं देता कि अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ते को हम काटें। आपने कहकर के अपना परिचय दे दिया, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जो आपको बुरा लगे, लेकिन बहुत आघात लगा है, बहुत बुरा लगा है। पूरी दुनिया के बौद्ध मानवता प्रेमी विज्ञानवादी बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं। शर्म अगर आ रही हो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को तो माफी मांग लीजिए, कार्रवाई रोक दी जाए। सवाल ये है कि बुद्ध के देश में शिक्षा के केंद्र के किसी सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे अतिथि इस प्रकार की बात आखिर कैसे कह सकते हैं। सवाल ये भी है कि आखिर शिक्षा के केंद्र में इस प्रकार के अनपढ़ अतिथियों को क्यों बुलाया जाता है।